नमस्ते, कहाँ से आए यहाँ पे? भरूच से। भरूच से गुजराती बोलो चुके? हिंदी हिंदी बोलिए। हिंदी बोल रहे हैं। ये क्या बच्ची का क्या नाम है इसका? युविका। या दीविका को जन्म का बहरापन है? जन्म का बहरापन। और क्या तकलीफ है? जब अभी फिलहाल में तो और कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, तो क्या कब क्या तकलीफ हुई थी? जन्म के समय क्या तकलीफ हुई थी? रूबेला वायरस था। अच्छा, पेटी में रखा गया था क्या? हाँ, पेटी में रखा गया था। उस टाइम तो उसके कॉर्निया में इन्फेक्शन भी था, हार्ट भी इनलार्ज था। अच्छा, कॉर्निया इन्फेक्शन और हार्ट इनलार्ज था, वो तो सही हो गए हैं। अच्छा, दोनों। उसके बाद उसको ऐसा कुछ ये हियरिंग के अलावा कोई तकलीफ नहीं थी। बराबर। बाकी मैंने होम्योपैथिक दवा वहाँ श्रीजी होम्योपैथिक सूरत से 1.5 साल दवा ली वहाँ से, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आया। फिर मैं बड़ौदा से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवा रहा था, अभी कंटिन्यू था 2.5 साल वहाँ से हो गया। ठीक है, उससे भी कोई परिणाम नहीं आया। उससे भी कोई परिणाम नहीं आया। बराबर है। ठीक है, मैं आया था आपके पास 2017 में, तब मेरे साथ एक सर आए थे, उन्होंने लिया था ट्रीटमेंट। तो फिर अभी मुझे लगा कि एक बार मैं आपसे कंसल्ट करके। हाँ, और आज आपकी बच्ची मेरे हिसाब से, डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से सुन रही है। ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जिनकी सुनने की क्षमताएँ इतनी बढ़िया हो जाए, नहीं तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी आती है और वो लगाना पड़ता मशीन, इनको इसको मशीन बिना सुनती है। दूर से टीवी गाना जो भी है सिखाओगे तो बहुत अच्छा प्रतिक्रिया। आज की प्रतिक्रिया क्या रही? 3 घंटे का जो ट्रीटमेंट था उसके बाद मेरी बेटी को काफ़ी अच्छा मतलब फील हुआ, वो ये सुनने लग गई है, सुनने के सच में सुनने लग गई। हाँ, सच में सुनने लग गई है। और इसको उसके बाद जो वर्डिंग का ओके वगैरह वर्ड को बोला गया तो ये बोलने लग गई है। और हम हमारे प्रैक्टिस पे अब डिपेंड कर रहा है कि हम इसको जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही ज़्यादा ये आगे डेवलप। आपका क्या नाम है? दीपिका। आपके हमेशा चेहरे पर खुशी चाहिएगी, अविश्वास की झलक नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ की वैल्यू है, समझ गई? Yes, एकदम हंस के चेहरा रहना है और खुशियां मनाओ कि बच्ची सुन रही है। अरे वाह, अरे वाह।